Good afternoon. Welcome to Jain Dev Groups of School. Today I would like to explain the next topic, that is dual behavior of the matters. After course theory of hydrogen atoms and its limitations, I would like to explain to you what are the dual behavior of the matters. In here, De Morgan, this scientist, proposed that matter exhibit dual behavior, means matter shows both particle and wave nature. According to De Morgan, matter have both type of nature. It exhibit as a wave also and as a particle also. And for this one, De Morgan's relations they have explained with the equation lambda is equal to h upon mv, and that is equal to h upon mv is the product of mass into velocity, which is equal to momentum, where p is the momentum. So what is that? De Morgan के साइंटिस्ट ने कहा कि जो मैटर है अभी तक जितनी भी थ्योरी एक्सप्लेन की गई वो सिर्फ पार्टिकल नेचर के बेस पे एक्सप्लेन की गई थी, लेकिन डी मॉर्गन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कहा कि मैटर के दो नेचर हो सकते हैं, कि जिस तरह के आपके मैटर्स हैव पार्टिकल आल्सो एंड वेव नेचर. तो इस तरह से आपने देखा था कि जैसे कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जिस तरह के नेचर के आपने देखे पार्टिकल बेस पे, या कुछ इफेक्ट थे जो वेव नेचर के देखे थे हमने. तो आज तक कुछ थ्योरियों में सिर्फ एक नेचर लिया गया था, कुछ थ्योरियों में सिर्फ पार्टिकल नेचर लिया गया था, कुछ थ्योरियों में सिर्फ वेव नेचर लिया गया था. लेकिन डी मॉर्गन साइंटिस्ट ने कहा कि मैटर के पास दोनों नेचर है, वेव नेचर ऑल्सो एंड पार्टिकल नेचर ऑल्सो. और इसको मिला के डी मॉर्गन ने एक रिलेशन दिया कि जहां पे लैम्ब्डा जो है इस वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, जहां पे लैम्ब्डा आपको वेव नेचर दर्शाता है आपके पार्ट इसका मैटर का, और एच अपॉन एम वी एम इज द मास इंटू वेलोसिटी, जो आपको दिखाता है पार्टिकल बिहेवियर ऑफ द मैटर. एंड दिस वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर एंड इट जस्ट स्टेट टुगेदर बाय वन रिलेशन वी कॉल इट डी मॉर्गन्स. This is very important, De Morgan's contribution. I have a lot of explanation on other quantum mechanics. These are very very large importance. So De Morgan ने इस तरह से मैटर के दोनों नेचर को, जैसे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, इन दोनों को एक रिलेशन दिया जो था लैम्ब्रा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एंड दैट एच अपॉन पी, पी इज हियर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी. अब यहाँ पे लैम्ब्डा आपको दर्शाता है मैटर का पार्टिकल नेचर, सॉरी वेव नेचर. हम कोई भी वेव के लिए आप वेवलेंथ मेजर करते हैं, और यहाँ पे आपको एमवी दर्शाता है कि कोई पार्टिकल का एक पर्टिकुलर मास है, उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो मूव हो रहा है, मतलब एम और वी आपको उसका पार्टिकल नेचर बताता है. मीन्स मैटर का एक वेव नेचर और मैटर का एक आपका पार्टिकल नेचर, इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट किया, रिलेशन था डी मॉर्गन रिलेशन, और वो था लैम्ब्डा बराबर एच अपॉन एम वी, जहां पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने देखी है, दैट लैम्ब्डा एच इज इक्वल टू वी नो दैट वन, जहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6256 × 10⁻⁴ J/s, एंड पी आपका है मोमेंटम, और वो मोमेंटम आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ. उसके बाद एक साइंटिस्ट हेसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, यू कैन से, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट ए टाइम, वी कांट साइमल्टेनियसली फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी और मोमेंटम एंड पोजिशन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल. इट इज इम्पॉसिबल दैट वी कैन डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड वट एवर दैट एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. और हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल के हिसाब से जब कोई एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर मोमेंट कर रहा है, तब उस इलेक्ट्रॉन का
एग्जैक्ट पोजिशन और उसकी वेलोसिटी जैसे मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। एक तो हम मोमेंटम ढूंढ पाएंगे, फिर उसके बाद उसकी पोजिशन हम ढूंढ पाएंगे, लेकिन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हम नहीं कर पाते हैं। सो यही एसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि मोमेंटम और पोजिशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वी कांट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। एक चीज एग्जैक्ट एक टाइप एक ही टाइप एक हो सकती है, नॉट द बोथ थिंग्स वी कैन डिटरमाइन एट वन टाइम, एक एसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। The product of their uncertainties is always equal to greater than or equal to or greater than h upon 4 pi. तो इस uncertainty को कि भाई अगर इसके एक तो position मिलेगी या फिर इसका momentum मिलेगा, कोई भी एक चीज हम कर सकते हैं, तो इन दोनों uncertainty को उन्होंने दर्शाया इस तरह से, delta x this is the uncertainty in positions while delta p is the uncertainty and the product of delta x into delta p is equal to h by 4 pi, h upon 4 pi or it is greater than h upon 4 pi. This is Heisenberg's uncertainty principles equations that delta x into delta p equal to h upon 4 pi or delta x into delta p is greater than h upon 4 pi. एक तो हम उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर मोमेंटम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें हम एक साथ नहीं डिटरमाइन कर सकते, इसलिए उसका प्रोडक्ट हमने दिया है एच अपॉन फोर पाई के बराबर या फिर एच अपॉन फोर पाई से ग्रेटर है। ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रैजेक्टरीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पाथ। हेसनबर्ग्स का जो आपका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इन्होंने कुछ रूल्स आउट किया भाई वहां कोई डेफिनेट पाथ में घूम रहा है, इस तरह का कोई उन्होंने उसके लिए कोई उन्होंने अलाउ नहीं किया है, इस रूल आउट की कोई वहां पे एग्जैक्ट कोई मार्ग होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है या फिर कुछ ऐसे ट्रैजेक्टरी हो गए इलेक्ट्रॉन्स के या दूसरे पार्टिकल्स के जहां पे उसका एक खास सर्कुलर पाथ यहाँ पे मोमेंटम होगा, इस तरह का कोई भी एसेंडर्स प्रिंसिपल ने उसकी कोई रूल्स आउट कर दिया है उसको एक्जिस्टेंस के लिए, उसकी मान्यता नहीं। अब एसेंडर या ड्यूल नेचर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मैटर जैसे डी ऑर्बिट का जो उन्होंने दिया रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या एसेंडर का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जहां पे वो बोल रहे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर मोमेंट में घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस उसकी पोजीशन एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एंगुलर मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। इस चीजों से हमें पता चला कि व्हाई बोहर्स मॉडल्स आर फेल्ड। तो एक चीज थी कि बोहर जस्ट इग्नोर द फॉलोइंग थिंग्स, इट इग्नोर्स द ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। उन्होंने जो हाइड्रोजन एटम्स का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया या फिर उसके बाद कुछ फेलियर हुए उसके भी रिपोर्टेशन आए, इसका रीजन था उन्होंने जब स्पेक्ट्रल लाइंस निकाली एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन उसके जो फाइन स्ट्रक्चर था उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन देने में जब बोर्स थ्योरी फेल हुई तो इसका रीजन था बोर्स थ्योरी फेल और बोर्स थ्योरी इग्नोर, उन्होंने इग्नोर किया कि भाई मैटर का ड्यूल नेचर हो सकता है दिस मैटर हैविंग पार्टिकल ऑल्सो एंड योर नेचर ऑल्सो, तो फाइन स्ट्रक्चर शायद एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बीच में एटॉमिक के एटम पार्टिकल नेचर की वजह से भी हो सकता है, किस तरह का इग्नोरेंस बोर्स के थ्योरी में हुआ। दूसरा इट कॉन्ट्रडिक्ट्स हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आल्सो। हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि हम एग्जैक्टली एक ही बार में उसकी पोजिशन और मोमेंटम दोनों चीजें एक साथ नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, ये हेसनबर्ग प्रिंसिपल बोल रहा है, लेकिन बोर्स थ्योरी में ये दोनों चीजें बिल्कुल अपोजिट थी, इसीलिए बोर्स थ्योरी का जो कंसेप्ट है और हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये दोनों चीजें आपस में टकरा रही हैं, कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, इसकी वजह से भी बोर्स थ्योरी फेल हुई थी। मतलब उनका कंसेप्ट था कि दोनों चीजें जैसे उन्होंने एग्जैक्टली डिटरमाइन कर ली थी पोजिशन भी और मोमेंटम भी, जो हेसनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से हो ही नहीं सकता क्योंकि हम दोनों चीजें एक साथ नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे,
जुड़े हुए मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बारे में। तो एक चीजें हो गई आपकी, एक ड्यूल बिहेवियर ऑफ दैट मैटर्स, जिसमें डी बॉर्गिन इक्वेशन मिला, हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिला। अब यहाँ पे एक और चीज थी, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो हमारा बेस है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, जो हमें सक्सेसफुली डिस्क्राइब करता है कि कोई भी मोशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स बट फेल फॉर माइक्रो पार्टिकल। आपका जो फंडा क्लासिकल मैकेनिक्स जो आ रहा है वो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे है, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में डिस्क्राइब किया जाता है मोशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल, जिसको हम आंखों से देख पाएंगे इसका मोशन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, नॉट बट इट फेल टू एक्सप्लेन द माइक्रो पार्टिकल। माइक्रो पार्टिकल का एक्सप्लेनेशन हमें कुछ नहीं आता क्लासिकल हमारे मैकेनिक्स में, उसमें जिस पार्टिकल को हम देख सके उस पार्टिकल के मोशन का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, तो माइक्रो पार्टिकल का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका माइक्रो पार्टिकल है, देन हाउ वी कैन एक्सप्लेन द मोशन ऑफ दैट वन। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग्स यू हैव टू बी क्लियर। Good afternoon students, welcome to JMB group of school. Today I would like to explain you the next topic after that one, Heisenberg uncertainty principles, that is quantum mechanics. Now in classical mechanics we have just taken that one, we have taken that it is just explaining that one, microscopic natures, right? Now in quantum mechanics, what is that? It is the theoretical science that deals with the study of the motion of the microscopic particles. Okay, now here microscopic particle objects that have both observable wave as well as particle like property. Okay, in last topic classical mechanics it based on only macroscopic particles, okay, which we can see by the eyes, while quantum mechanics it is the science, it have just you find deals with the study that having the study of that the motions of the microscopic particles, and these microscopic particles have wave-like properties as well as particle-like properties. जिसे क्लासिकल थ्योरी में हमने देखा, जैसे ये जो क्लासिकल थ्योरी होती है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बेस पे है, जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एक्सप्लेनेशन देती है, नॉट माइक्रोस्कोपिक, जिसमें हम जिस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर सके ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मोशन के बारे में या उसके बारे में क्लासिकल थ्योरी में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स एक नई उसमें एक ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर होता है द स्टडी ऑफ द मोशंस ऑफ दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक है जिनका मोशन का हमें अगर स्टडी करना है, और ऐसे पार्टिकल्स जिनका बहुत तरह का प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टी आल्सो एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी आल्सो। सो यू हैव द डेफिनेशन व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, इट इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल व्हिच शोज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी आल्सो एंड वेव लाइक पार्टिकल आल्सो, एंड वी कैन स्टडी इन दैट क्वांटम मैकेनिक्स। नाउ quantum mechanics based on fundamental equations and which is called Schrödinger's equation. Quantum mechanics जो है वो एक main fundamental आप बोल सकते हैं equation के base पे है, जिसको हम Schrödinger wave equation concept बोलेंगे। जिस equation के बारे में आगे study होगा कि भाई quantum mechanics का तो चलो भाई हमें study तो करना है microscopic particle का, इनके पास वेव एज वेल एज पार्टिकल एक प्रॉपर्टी है, तो अगर उसका हमें स्टडी करने उनके मोशन के बारे में तो कुछ इक्वेशन चाहिए, तो वो इक्वेशन है स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। तो आपका एक स्पेशल एक
integer equation. For a system, एक ऐसे system, such an atom whose energy does not change with atom or we can say molecule also, whose energy does not change with the time, the Schrödinger wave equation is written as h psi is equal to e psi, where h is Hamiltonian operator, एक factor है आपका, और e is the total energy of the system, and this phi psi is size the wave function of an electron. You can say that amplitude of the wave of an electron. अब quantum mechanics के हिसाब से हमें एक ऐसा motion का study करना है microscopic particle का, जिसके पास particle as well as wave nature हो, जिसकी properties हो. तो इसके लिए कुछ equation की जरूरत है. तो आपका मेन स्क्रॉडिंगर इक्वेशन जो है क्वांटम मैकेनिकल, इट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल इक्वेशन, जिस इक्वेशन को स्क्रॉडिंगर इक्वेशन बोलते हैं. तो क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए और वो इक्वेशन है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन. अब कोई भी एक सिस्टम जिसके अंदर कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल ले लो, जिसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज ना हो, ऐसे सिस्टम के लिए स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन में h psi is equal to e psi, जहां पे h एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, एक एक फैक्टर है, वहां पे जो psi दिया है ए आपका वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब एम्पलीट्यूड देता है आपकी वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन की, वेव की जो इलेक्ट्रॉन वेव बिहेवियर करेगा, वेव तरह का नेचर देता है, तो उसके एम्पलीट्यूड को मेजरमेंट किया जाता है बाय वेव फंक्शन साई एंड इज द टोटल एनर्जी. नेक्स्ट, व्हेन स्क्रॉडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, द सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स एंड इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई. जब इस स्क्रॉडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया, इक्वेशन के सोल्यूशन निकाले गए, तो सॉल्यूशन निकालने के बाद इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए तब जितने भी सॉल्यूशन मिले, मतलब जितने भी पॉसिबल एनर्जी लेवल मिले जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है, एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल. जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया हाइड्रोजन एटम के लिए, तब उन्हें जो सॉल्यूशन में मिला वो पॉसिबल एनर्जी लेवल मिली जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है या ऑक्युपाई हो सकता है. साथ ही साथ एनर्जी तो अलग अलग मिली, लेकिन साथ साथ उनको वेव फंक्शन भी मिले, जो करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन उस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएट थे एंड ऑल्सो विद ईच एनर्जी. जितने एनर्जी लेवल मिली उतने ही उनको वेव फंक्शन भी मिले, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के साथ वो वेव फंक्शन एसोसिएटेड थे, और उनकी जितनी भी वैल्यूज थी आउट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ओनली सर्टेन सॉल्यूशंस आर परमिटेड. तो वे बहुत सारी वैल्यूज मिली, क्योंकि जहां जहां पे हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला गया तो उनको बहुत सारे सॉल्यूशन में जितने भी पॉसिबल एनर्जी लेवल्स थे, जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो सकता है और साथ साथ उनको वेव फंक्शन भी मिले विद दैट एनर्जी, ईच एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन था, लेकिन उसमें से सर्टेन ही वैल्यूज है उसको क्या किया गया, परमिट किया गया, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज थी एनर्जी की और वेव फंक्शन की, इसमें से कुछ पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यूज को ही परमिट किया गया, एंड ईच परमिटेड सॉल्यूशन इज हाईली सिग्निफिकेंट. और हर एक परमिटेड जो आपको जितने भी सॉल्यूशन को परमिट किया गया, एक्सेप्ट किया गया, वो बहुत हाईली सिग्निफिकेंट था, उन सबका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था. उन्होंने सोल्यूशन जब निकाला स्क्रॉडिंगर इक्वेशन का, तो जितने भी उनको मिले सोल्यूशन में, बहुत सारे उन्होंने देखा कि बहुत सारे सोल्यूशन में बहुत सारे पॉसिबल एनर्जी मिली जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो सकता है, साथ साथ उनको कुछ वेव फंक्शन भी मिले, जो एनर्जी आपके इक्वेशन के हिसाब से दिए वेव फंक्शन भी मिले विद दैट एनर्जी लेवल्स दैट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फ्रॉम दिस ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ओनली सर्टेन वैल्यूज आर जस्ट परमिटेड, एंड दिस सर्टेन वैल्यूज परमिटेड हाउ वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट.
because it corresponds to definite energy state. क्योंकि ये values जो है वो एक definite energy state को correspond करती है और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई energy is quantized. This word is very important. कि भाई energy का एक quantized है, energy को एक quantity में आप कर सकते हैं क्योंकि ये value is possible. डेफिनेट एनर्जी वैल्यू से रिलेट कर सकती है, इससे ये बात बोल सकते हैं एनर्जी कैन क्वांटिटाइज. नेक्स्ट यहाँ पे जो साइड दिया है ए है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन, जो आपको एक एम्पलीट्यूड देता है वेव का, विच हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब उसकी कोई वैल्यूज नहीं है, कोई उसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू नहीं है. जब इसका हम स्क्वायर करते हैं साइज स्क्वायर, तब हमें मिलता है द रीजन. साइज स्क्वायर क्या देता है? इट गिव्स द रीजन, एक ऐसा एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एंड इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. साइज ऑफ फिजिकल सिग्नल, उसकी कोई ए नहीं है, कोई वैल्यूज या कुछ नहीं है, लेकिन उसे साइज को अगर स्क्वायर में लिखा गया तो एक ऐसा एरिया है, रीजन है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाती है और इसी को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में आपको इतना याद रखना है कि एक थियोरेटिकल साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का कर सकते हैं. और उसमें वो ऐसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिसके पास वेव एज वेल एज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, और उसके लिए खास क्वांटम मैकेनिक्स में इक्वेशन है जो स्क्रॉडिंगर इक्वेशन है, और स्क्रॉडिंगर इक्वेशन का है दैट एच साई इज इक्वल टू ई साई इक्वेशन है, जहां पे एच आपका हैमिल्टोनियन एक आपका दिया है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, एक फैक्टर है. उसके बाद साई जो है इट इज अ वेव फंक्शन और यू कैन से एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और पी इज टोटल एनर्जी. और इस इक्वेशन का जो स्क्रॉडिंगर इक्वेशन है उसको जब सॉल्व किया गया तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले, व्हेन इट सॉल्व बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले फॉर द वेयर इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई, एंड उनको बहुत सारे एनर्जी लेवल्स के सॉल्यूशन मिले पॉसिबल वेयर इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई, तब इसके साथ साथ उनको वेव फंक्शन भी मिले विद ऑफ डिफरेंट ईच एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर तब इसमें से कुछ खास सर्टन पॉसिबल वैल्यूज को ही परमिट किया गया. और परमिट करने के बाद क्यों परमिट किया गया? पॉसिबल जो वैल्यूज थी, उन परमिटेड जो वैल्यूज थी उनकी एक खास डिफरेंट वैल्यू थी, उनके पास एक खास डिफरेंट एनर्जी स्टेट थी, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एनर्जी इज क्वांटिटाइज, एक एनर्जी को आप क्वांटिटी में बोल सकते हैं. इस तरह से जहां पे साई का एम्पलीट्यूड ऑफ आपका वेव है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, लेकिन उसका स्क्वायर किया जाए तो वो देता है एक ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है, मैक्सिमम है, और इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी माना जाता है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका क्वांटम नंबर होगा. इसके पहले हमें ऑर्बिट, उसके बाद क्वांटम और उसके क्वांटम नंबर, उसके बारे में हमें